नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहिबुल, मेरा चैनल है माई इलेक्ट्रॉनिक आइडिया। सो दोस्तों देखिए, आज हम लोग सीखेंगे ये जो 4440 एम्पलीफायर बोर्ड है, तीन आईसी का है। इसमें जो आउटपुट सप्लाई है तीन स्पीकर के लिए होता है, एक दो तीन, तीन स्पीकर आउटपुट सप्लाई होता है। और इसमें तीन स्पीकर के जो आउटपुट है, दो स्पीकर होगा ऐसे नॉर्मल स्पीकर, और एक स्पीकर की जो पॉइंट है ये होगा सबवूफर की कनेक्शन के लिए। तो इसमें तीन स्पीकर आउटपुट होता है। और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, इसमें देखिए अलग अलग करके बेस ट्रेबल ऐसे करके पॉइंट, सब पॉइंट लिखा है, लेकिन लिखा है उसके बाद भी इसको कनेक्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि देखिए इसमें जो बोर्ड का जो सिस्टम है थोड़ा अलग अलग लग रहा है। इसमें अलग सा और एक आईसी लगा हुआ है LM324, देखिए दिखा देता हूँ जूम करके, LM324N। तो ये एक आईसी अलग सा लगा हुआ है। तो इसको जो लगाया है, क्योंकि इसमें एक सबवूफर के लिए दिया हुआ है इसीलिए। और इसमें देखिए जो कनेक्शन है थोड़ा अलग सा टाइप का है। इसमें ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड बाय करने के साथ साथ इस बोर्ड का साथ एक डायग्राम मिला था मेरे को। ये डायग्राम को फोटो खींच लीजिए, देखिए मैंने एक बार दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम को दिखा दिया। अभी जो डायग्राम में सब कनेक्शन किस टाइप से, कौन सा पिन में कनेक्शन करेंगे, उस टाइप से ये सब कनेक्शन हो जाएगा। तो इसको डायग्राम से जैसे कनेक्शन दिखाया है सेम उसी टाइप से कनेक्शन करेंगे। ये बोर्ड को उल्टा लेता हूँ और इसका जो कनेक्शन है शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें ये जो कनेक्शन है, देखिए एक दो तीन चार पाँच है ऐसे करके, जो नंबर है देखिए साइड में जो नंबर दिया हुआ है ये हो गया जो पिन है, पिन का नंबर। तो इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच है ऐसे करके सभी में नंबर लिखा हुआ है। और नंबर का साथ साथ इसमें कौन सा नंबर किसके लिए यूज़ करेंगे ये लिखा, इसमें देखिए ऑलरेडी लिखा है। तो एक नंबर के ऊपर की माइनस जो पॉइंट है ऊपर की, उसको देखिए एक नंबर ये माइनस, दो नंबर सब ऊपर की प्लस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट, तीन नंबर में राइट चैनल का स्पीकर, चार नंबर में जो स्पीकर, ऐसे सब करके इसमें लिखा है। तो सेम इसी टाइप से कनेक्शन करेंगे। दोबारा ये जो डायग्राम है इसको दिखाएंगे नहीं, बस इसको साइड में रख देता हूँ। अभी ये जो ये जो सर्किट बोर्ड है इसका कनेक्शन करेंगे। तो चले दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे करता है उसको सीखता हूँ। फर्स्ट जो ये सर्किट बोर्ड है इसका एक नंबर से कनेक्शन करेंगे। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से जैसे कनेक्शन इसमें करने के लिए दिया है सेम उसी टाइप से कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, डायग्राम से हिसाब से ये हो गया एक नंबर पिन, ये हो गया दो नंबर। तो एक नंबर होगा माइनस पॉइंट, दो नंबर होगा प्लस पॉइंट। तो ये दोनों सबवूफर की कनेक्शन है, ये दोनों में सबवूफर के लिए कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो ऊपर की दो स्पीकर की, ये तीनों स्पीकर की आउटपुट करना हो गया है। अभी जो कनेक्शन करेंगे दूसरा, सेकेंड वॉल्यूम की, ये वाला सेकेंड चैनल के लिए, जो एक ऊपर का ही आउटपुट सप्लाई के लिए ये लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए, ये इनपुट पॉइंट, ये वाला आउटपुट पॉइंट, और ये लास्ट में जो ब्लैक कलर है ये ग्राउंड पॉइंट। तो इसको फर्स्ट कनेक्शन करेंगे। देखिए ग्राउंड का जो वायर है इसको बॉडी से जो अटैच है इस पॉइंट में, ग्राउंड के लिए कनेक्शन कर दिया। अभी जो आउटपुट पॉइंट है, ये वाला जो आईसी है, आईसी का दो नंबर पिन में लगा दिया हो, देखिए इसमें एक रजिस्टर से सिग्नल आके खाली पड़ा है। और जो तीन नंबर पिन है देखिए, ये हो गया इनपुट की पॉइंट। तो इनपुट की जो पॉइंट है इसमें देखिए LM324N जो आईसी लगा हुआ है सर्किट बोर्ड में,
इसका जो 14 नंबर पिन है वो पिन से एक सिग्नल आया है, एक कैपेसिटर के बाद एक सिग्नल आया है, इसमें जो इनपुट की पॉइंट कनेक्शन कर दिया हूँ। अभी सेकेंड वॉल्यूम के लिए ये कनेक्शन ऑलरेडी हो गया है। अभी जो मेन वॉल्यूम है उसके लिए कनेक्शन करेंगे। देखिए इसमें जो कनेक्शन होता है ये फर्स्ट ऊपर नीचे वाला, ये दोनों इनपुट की, सेंटर में जो है ऊपर नीचे वाला दोनों आउटपुट की, और लास्ट में जो दो पॉइंट है ये दोनों ग्राउंड की। तो इसमें फर्स्ट जो कनेक्शन है देखिए ये वाइट कलर और येलो कलर, ये दोनों इनपुट की पॉइंट है। तो इनपुट की कनेक्शन करेंगे। देखिए ये जो सर बेस्ट ट्रेबल का जो आउटपुट है देखिए इसमें दो रजिस्टर का बात दो सिग्नल आया है, ये देखिए दो सिग्नल खाली पड़ा है ऑलरेडी, ये दोनों लेफ्ट राइट चैनल के लिए। ये दोनों में जो वॉल्यूम में इनपुट करेंगे, इनपुट का जो पॉइंट है ये दोनों में कनेक्शन कर लेता हूँ लेफ्ट राइट दो चैनल के लिए। तो दोस्तों देखिए वॉल्यूम में इनपुट के लिए कनेक्शन करना हो गया है। अभी जो रेड कलर और ये देखिए सेंटर का जो दो वायर है ये दोनों हो गया, वॉल्यूम में जो सेंटर का दो वायर है ये दोनों आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए देखिए ये वाला दो वायर है, सेंटर का जो दो वायर है ये दोनों, तो ये दोनों और आउटपुट के लिए कनेक्शन करेंगे। जो आईसी का दो नंबर पिन है ये दोनों हो गया आईसी का इनपुट के पॉइंट, तो आईसी के लिए ये दोनों कनेक्शन करेंगे। इनपुट जो वॉल्यूम से आउट होता है आईसी में इन होता है, तो इसको कनेक्शन कर दिया है दोस्तों ये एक चैनल के लिए, और ये दूसरा चैनल के लिए भी कनेक्शन कर दिया हो। अभी देखिए इसमें इनपुट और आउटपुट की कनेक्शन करना हो गया है। अभी जो दो वायर है लास्ट वाला देखिए ये दो वायर होगा ग्राउंड पॉइंट, तो ये ग्राउंड वायर को बॉडी से देखिए ये एक पॉइंट सभी में कनेक्शन किया है, देखिए ये साइड में एक पॉइंट गया है, ये पूरा बॉडी में ही है, तो इसको बॉडी से कनेक्ट कर देता हूँ। और एक दूसरा एक पॉइंट है इसको भी ये वाला बॉडी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोनों पॉइंट को जो ग्राउंड पॉइंट है देखिए इसका जो ग्राउंड पॉइंट है ये दोनों बॉडी से कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी मेन वॉल्यूम का कनेक्शन करना हो गया है दोस्तों। अभी जो दूसरा कनेक्शन है दोस्तों बेस और ट्रेबल को, तो बेस और ट्रेबल के लिए पिछली वीडियो डाला था सिंगल जो डुअल चैनल का जो 4740 डुअल आईसी एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें बेस ट्रेबल का कैसे कनेक्शन करें उसको भी देख सकती है, इसमें भी बता देता हूँ। दोनों होगा जो बड़ा वाला कैपेसिटर रहेगा ये आईसी सर्किट बोर्ड में, ये दो बड़ा वाला कैपेसिटर का जो आउटपुट सप्लाई आया है देखिए एक सिग्नल आया है ये साइड में एक, और ये साइड में भी बड़ा वाला कैपेसिटर का बात एक सिग्नल आया है। ये दोनों होगा बेस की जो इनपुट पॉइंट है उसको, तो बेस का फर्स्ट कनेक्शन कर लेता हूँ। इसमें देखिए ये जो फर्स्ट दो पिन है ये दोनों इनपुट की, सेंटर में दो पिन आउटपुट की, और लास्ट में दो पिन ग्राउंड की। तो इसमें देखिए सीरियल से कनेक्शन करेंगे एक दो तीन, ये जो तीन कलर है फर्स्ट ऊपर में देखिए ये तीन कलर को कनेक्शन कर लेता हूँ फर्स्ट। तो इनपुट की पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, देखिए बेस के लिए ये कनेक्शन कर लेता हूँ फर्स्ट इनपुट की, ऊपर का जो तीन पिन है वो सीरियल में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों। तो तीनों वायर को सीरियल में कनेक्शन कर दिया। अभी दूसरा चैनल के लिए ये फर्स्ट जो वाइट कलर है ये हो गया इनपुट की, तो ये भी कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों ये दूसरा चैनल में, जो राइट चैनल है लेफ्ट चैनल का कनेक्शन ऑलरेडी कर दिया हो राइट चैनल के लिए, इसमें भी सीरियली कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों। तीन वायर है अभी लेफ्ट और राइट दोनों चैनल का कनेक्शन करना हो गया है। अभी दूसरा जो कनेक्शन है ट्रेबल की, तो ट्रेबल की कनेक्शन किस टाइप से करेंगे देखिए ट्रेबल में भी सेम ही उसी टाइप से कनेक्शन करना है। इसमें देखिए वायर दिया हुआ है, ये दोनों इनपुट की, सेंटर में दो आउटपुट की, और लास्ट में दो ग्राउंड की, तो उसको भी सेम उसी टाइप से कनेक्शन करेंगे। ऊपर का जो ग्राउंड
ऊपर का जो तीन पिन है देखिए ऊपर का लाइन में, ये दोनों इनपुट की ये एक नंबर दो नंबर तीन नंबर सेम उसी टाइप से कनेक्शन करेंगे सीरियल में। फर्स्ट तीन पिन ऐसे, सेकंड तीन पिन इस टाइप से, तो इसको भी कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बेस ट्रेवल वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम स्पीकर की आउटपुट सब कनेक्शन करना हो गया है। अभी जो कनेक्शन है देखिए दोस्तों, जो ब्लूटूथ मॉडल से इनपुट आता है, देखिए ब्लूटूथ मॉडल से आउट होके जो ये सर्किट बोर्ड में इनपुट आता है उसके लिए देखिए ये 20 वाला पॉइंट जो है ग्राउंड की और दोनों दो साइड का दो पॉइंट है लेफ्ट राइट की। तो इसका कनेक्शन देखिए किस टाइप से करेंगे, इसमें देखिए LM324N के लिए जो आउटपुट जो आया है देखिए, ये सप्लाई देखिए एक दो, ये दोनों लेफ्ट राइट चैनल के लिए ये दो सप्लाई आके लास्ट में देखिए ये बेस के लिए ट्रेवल के लिए जो आउटपुट सप्लाई आया है दो पॉइंट देखिए, ये दोनों हो गया लेफ्ट राइट दो चैनल। तो ये दोनों लेफ्ट राइट दो चैनल और ये बीच में एक ग्राउंड पॉइंट है, ये पूरा बॉडी से कनेक्ट है। तो ये इस टाइप से इसमें कनेक्शन करने भी हो जाएगा, ये ग्राउंड ये दोनों लेफ्ट राइट इसमें भी कनेक्शन करने हो जाएगा और ये साइड में भी कनेक्शन करने हो जाएगा। तो यही पॉइंट इधर से भी तो इसमें करने से क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट से ही इसको सप्लाई आ जाएगा, इसमें करेंगे तो सेंटर में मिलेगा, दोनों साइड में समान समान में मिल जाएगा। तो इस पॉइंट में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों, जो ग्राउंड पॉइंट है ग्राउंड जो पॉइंट है दोनों चैनल का इसमें कनेक्शन कर देता हूँ। और लेफ्ट राइट दो चैनल है उसके लिए देखिए दो पॉइंट को इस पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, एक चैनल देखिए ये वाला एक चैनल आया है और ए वाला एक चैनल आया है लास्ट में देखिए इस साइड में इधर से गया है। तो एक पॉइंट ए वाला एक पॉइंट, ये दोनों लेफ्ट राइट चैनल, तो लेफ्ट राइट चैनल के लिए कनेक्शन कर देता हूँ। ये लेफ्ट चैनल और देखिए ये वाला राइट चैनल, तो लेफ्ट राइट दोनों चैनल को कनेक्शन करना हो गया है, ग्राउंड को भी कनेक्शन करना हो गया। और एक बार दिखा देता हूँ देखिए, ये दोनों हो गया लेफ्ट राइट दो चैनल, ये होगा ग्राउंड, तो इसमें कनेक्शन करने भी हो जाएगा लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ये साइड में कनेक्शन करने भी हो जाएगा। ये दो ही पॉइंट ये पॉइंट आया है ये वाला, तो ये दोनों लेफ्ट राइट में कनेक्शन कर दिया हो, सेंटर का जो पॉइंट है ये ग्राउंड में जोड़ दिया हो। अभी जो ब्लूटूथ से आउट होगा आउटपुट को इसमें इन करेगा, और ब्लूटूथ मॉडल के लिए एक 5 वोल्ट प्लस माइनस चाहिए। तो वो 5 वोल्ट के लिए देखिए इसमें जो सप्लाई आया है इसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, उल्टा करके उसको दिखा देता हूँ देखिए, ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, वोल्टेज रेगुलेटर से ये वाला एक पॉइंट आया है सप्लाई 5 वोल्ट आउटपुट के लिए, और सेंटर का जो पॉइंट है उसमें आया है ग्राउंड पॉइंट। तो वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट जो पॉइंट है इसको कनेक्शन कर देता हूँ देखिए, इस टाइप से कनेक्शन करेंगे ग्राउंड पॉइंट को, सेंटर वाला जो ग्राउंड पॉइंट है ये ग्राउंड पॉइंट में जोड़ दिया, और जो प्लस पॉइंट है उसको वोल्टेज रेगुलेटर से जो आउट आया है प्लस पॉइंट उसके में कनेक्शन कर दिया। अभी 5 वोल्ट के लिए आउटपुट हो गया। अभी जो दूसरा और एक कनेक्शन करना है ट्रांसफार्मर की, तो 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ करेंगे। देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर है, इसमें इस टाइप से आया है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का उल्टा करके दिखाना होगा। दो देखिए दो पॉइंट जो है जिसमें सिग्नल आया है दो पॉइंट, ये होगा इनपुट की जो एसी इनपुट करता है, और 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे रहेगा ये साइड में आउटपुट के। तो आउटपुट के लिए ये दो वायर है, तो इसको आउटपुट करेंगे किसमें देखिए, इसमें 4 डायोड का सिग्नल आया है दो, तो चारों डायोड प्लस माइनस मिला के इसमें सिग्नल आया है, दो डायोड का प्लस माइनस इसमें, दो डायोड का प्लस माइनस इसमें, तो ये दोनों सिग्नल आया है। इसमें देखिए लेफ्ट राइट दो चैनल के लिए 0-12 ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्शन करेंगे। देखिए इसमें एक पॉइंट को कनेक्शन करेंगे और दूसरा और एक पॉइंट को इसमें कनेक्शन करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस डायोड की जो पॉइंट है इसमें। तो ये बॉडी बोर्ड का जो कनेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसको और एक कनेक्शन करना है, जो ब्लूटूथ मॉडल है देखिए इसमें कनेक्शन करना है। ब्लूटूथ मॉडल से जो आउटपुट होगा उसके लिए ये वाला पॉइंट को कनेक्शन कर देना है। देखिए इसमें 4 पॉइंट है, इसको उल्टा करके दिखा देता हूँ।
एक पॉइंट होगा एंटेना जो एफएम के लिए एएनटी लिखा हुआ है, तो इसको एंटेना को छोड़ के और तीन पॉइंट को लगाएंगे इसको लेफ्ट राइट ग्राउंड के लिए। ये रेडी हो गया है। अभी जो और एक पॉइंट है वोल्टेज रेगुलेटर से जो आया है 5 वोल्ट प्लस माइनस के लिए, उसको कनेक्शन करना है। तो इसमें उसको कनेक्शन कर दिया हो, देखिए 5 वोल्ट प्लस माइनस के लिए। और एक बार दिखा देता हूँ, इसमें प्लस वाला जो वायर है ये वाला वायर से प्लस वायर गया है और जो माइनस है ब्लैक कलर से आया है। तो प्लस माइनस इसमें जोड़ दिया हो, तो इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग हो गया है। अभी इसको साउंड टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। और इस ब्लूटूथ मॉडल में माइक का सिस्टम है, इसमें माइक का कैसे कनेक्शन करें इसका पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ, उसको भी देख लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और ये बोर्ड का बाय करने के लिए लिंक भी दे देंगे। डुअल चैनल का या ये ट्रिपल चैनल का है, दोनों का लिंक दे देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्टिंग कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए एसी कनेक्शन को इन कर दिया हो, अभी इसमें सप्लाई आ गया है। तो ये वाला जो मॉडल है इसको कनेक्ट कर दिया हो, इसको एक सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ।